hard to breathe, but that's alright. मैं वहाँ इसलिए नहीं बताया बिकॉज उनके बॉयज मुझे फॉलो कर रहे थे और अभी भी हमें फॉलो कर रहे हैं। ओके, बट तुम वो सब वीडियो जिमिना को क्यों दिखा रहे थे? वो चाहते हैं कि आप और मिस जिमिन का ब्रेकअप हो जाए और मैं जबरदस्ती ही ये सब कर रहा था। अगर मैं उनका बात नहीं मानता तो वो मेरे बहन को मार डालते। आपको कैसे पता चला कि जिमिना मैम को मैं ये सब दिखाने वाला हूँ? मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही डाउट था और तुम किसी से छुप छुप के बात भी कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ एक गेम खेला जाए। तुम्हें याद है जब मैं मिस जिमिन से फर्स्ट टाइम बात कर रहा था तब मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए बोला था? मिस जिमिन, प्लीज आप मेरी फैकल्टी बन जाइए ना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है क्योंकि मुझे अपनों के ऊपर तो और ट्रस्ट नहीं रहा है, सो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। तब मिस जिमिन फैकल्टी बनने के लिए नहीं मान रहे थे, बट उसके बाद मुझे उनसे सच्चा वाला प्यार हो गया और मैं सच में उन्हें प्रपोज करना चाहा, बट मैं तुम्हें जानबूझकर झूठ बोला कि मैं उन्हें यूज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही डाउट था। बट आपको अभी के बारे में कैसे पता चल गया कि हम मिलने वाले हैं? मैंने पहले से ही जिमिना को सब कुछ सच कह दिया था और उन्हें बोल दिया था कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो पहले मुझे शेयर करे और मुझसे ही बात करे। इसलिए जब तुमने कॉल किया जिमिना को तब उन्होंने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया। बट अब तो आपने मुझे पहचान लिया, अब क्या करूँगा मैं? अब तो वो मेरी बहन को मार डालेंगे, वो तो सोच रहे होंगे कि मैं आपको सब कुछ बता दिया। डोंट वरी, तुम्हारी बहन को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। हाँ, बट आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा मारिए और मुझे कार से निकाल दीजिए। क्यों? आप मारिए तो सही। अरे यार, मैं तुम्हें क्यों मारूं? आप मुझे मारिए ताकि मैं उन्हें झूठ बोल दूंगा कि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। ओके, फिर योंगी सुचेन को थोड़ा सा मार के बीच सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। हेलो, तुमने योंगी से क्या कहा अभी? नहीं, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया और आपके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। सच सच बोलो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। नहीं नहीं, सच में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और मैंने उन्हें बोल दिया कि जब से जिमिना आई है तब से आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए ये सब किया। तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सब सुन के वो मान गया? हाँ। ओके, तुम्हारा काम खत्म और कभी भी अपना मुंह नहीं खोलोगे तो पता है तुम्हें तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। गुड मॉर्निंग। यस माय कुकी, गुड मॉर्निंग। अभी तेरे मुझे कुकी कहा? टी, यस कुकी, रुको मैं काम कर रही हूँ। टी, क्या बोल रही हो? हाँ, यस सर, क्या हुआ? तुम मेरे ऑफिस
नहीं करती हो? फिर ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक सुनो, ते को लेके जल्दी से घर पे आ जाओ। बट क्यों? क्योंकि मुझे उससे सब कुछ याद दिलाना है। क्या तुम आज ही ये सब करने वाले हो? यस। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनने में आया है कि आप जिमिना को डेट कर रहे थे। आपको ये सब कैसे पता? पता तो मुझे और भी है कि आपकी अभी ब्रेकअप भी हो चुका है। ओह, ओके। अभी तो आप सिंगल हैं, तो क्या हम डेट कर सकते हैं? ओके, अगर आप चाहते हैं तो हम डेट कर सकते हैं। क्या सच में? थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलो मेरे साथ, मुझे आप कहाँ लेके जा रहे हैं? फिर जंगकुक ते को कुछ भी आंसर नहीं देते और अपने घर पे लेके चले जाते हैं। पोनियो, प्लीज सब कुछ ठीक कर दो ना। ये पोनियो कौन है? पोनियो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ जंगकुक, डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ये पोनियो है? ये बात भी कर सकते हैं? हाँ, ये एक मैजिकल फेस है, इसलिए वो बात भी कर सकता है और मैजिक भी कर सकता है। और वो मेरा बचपन का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और हम आज तक भी एक साथ हैं। एक गोल्ड फेस बात कैसे कर सकता है? आप मैजिक में बिलीव रखते हैं? ये सब होता है क्या? हाँ दे, मैं बिलीव रखता हूँ। और देखना, अब भी सब कुछ ठीक कर देगा वो। तुम पूछ रहे थे ना कि दे की मेमोरी कैसे चली गई? हाँ, दे के पास मेरे तरह ही एक गोल्ड फेस थी और वो भी डैम वर्ल्ड से आई थी। एक गोल्ड फेस? वो भी मेरे पास? नहीं तो तुम्हारे पास वो गोल्ड फेस थी बट अभी नहीं है। और दे, जब तुम उस गोल्डफिश से कुछ विश मांगती थी तब वो तुम्हारी गुड मेमोरीज को ले जाती थी और लास्ट में तुमने उस गोल्डफिश को ये कहा था कि तुम्हें अपना पास्ट के बारे में जानना है, इसलिए वो तुम्हें पहले ही बोल चुकी थी कि कुछ प्रीसियस चीज तुमसे छूट जाएगा। फिर भी तुम नहीं मानती और उससे बार बार अपने पास्ट के बारे में पूछती रहती हो क्योंकि वो तुम्हारी गुड मेमोरीज को ले गई थी। और तुम्हारी जब गुड मेमोरीज खत्म हो गई तब उसने तुम्हारी बैड मेमोरीज भी ले गई थी, तो तुम्हारी पास्ट पूरी तरीके से वो ले गई थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर से उसे लौटाने के लिए तुम्हारे कुछ ऐसे प्रीसियस मेमोरीज लेना पड़ता है, इसलिए वो तुम्हारी जंगकुक वाली रिलेशनशिप वाली वो मेमोरी ले गई थी, इसलिए तुम्हें जंगकुक के साथ बिताए हुए पल कुछ भी याद नहीं है। क्या ये सब सच है या ऐसे ही कुछ कहानी बता रहे हो आप? डोंट वरी थे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज तुम्हें फिर से लौटा दूंगा। बट पोनियो, तुम जब देखे सारी मेमोरीज लौटाओगे तो तुम्हें मैजिक करना पड़ेगा और मैजिक करने के लिए तुम्हें उसके कुछ प्रीसियस मेमोरीज लेना पड़ेगा। उसकी प्रीसियस मेमोरी कुछ भी नहीं लूंगा। उस तुमने मांगा था कि देखे मेमोरीज वापस आ जाए, तो मैं तुमसे प्रीसियस मेमोरी लूंगा। ओह, तो तुम्हें मुझसे लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू जंगकुक, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे अपना फैमिली मानने के लिए, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या हुआ तुझे, इतना सेंटी क्यों बन रहा है और थैंक यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये हम दोनों का लास्ट बार बात करना है, सो थैंक यू सो मच। लास्ट बार बात करना? तुम कहना क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सोच लिया है मुझे कौन सा प्रीसियस मेमोरी लेना है और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि वो प्रीसियस मेमोरी मेरा है। तुम्हारे पास मेरा इतना सारा प्रीसियस मेमोरीज है, गुड मेमोरीज है, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जंगकुक। नहीं, ऐसा मत करो, तुम कुछ और ले जाओ ना प्लीज। मैजिक मैजिक दिखा दे अपनी मैजिक। फिर दे की सारी मेमोरीज वापस आ जाते हैं, उसे सब कुछ याद आ जाता है, बट तभी पोनियो डिसअपीयर होने लगता है। नहीं पोनियो, प्लीज मत जाओ। दे और जंगकुक बेहोश हो जाते हैं। जिमिन अपनी कुछ फाइल्स युंगी के ऑफिस में भूल गई थी, इसलिए वो लेने के लिए गई थी। युंगी, मुझे अपना फाइल लेना था। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, आज हमारे कुछ आर्मी फ्रेंड का बर्थडे है और कल भी था और आगे आने भी वाला है, सो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ हैप्पी बर्थडे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सरंगी।
और मुझे बहुत सारे आर्मी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मैं लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिलता है लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। मैं सिर्फ रात को ही वीडियो बनाती हूँ, 3-4 बजे तक ऐसे ही जग के मैं वीडियो बनाती हूँ, और सुबह भी नहीं सो पाती बिकॉज मुझे सुबह सुबह कॉलेज भी जाना होता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है और घर का काम भी करना पड़ता है, और भैया भाभी भी रहते हैं तो मैं उनके सामने तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी। घर में मम्मी को छोड़ के किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और एक प्रॉब्लम है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे बार बार बैंक जाना पड़ रहा है, मुझे सब कुछ फिक्स करना पड़ रहा है, वो भी मैं सिर्फ अकेली ही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उस सब को भी संभालना पड़ता है और यूट्यूब के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है, सो आई डोंट नो क्या होगा आगे, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में और एक प्रॉब्लम आके टपक गया है, वो है मेरा हेल्थ। और मेरी हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाती हूँ, और ऑक्सीजन मेरे ब्रेन को ठीक से नहीं पहुँच पाता है, फ्लो नहीं होता है अच्छे से, इसलिए पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है, ब्रेन में भी बहुत पेन होता है। इस सबको मैं कैसे संभालूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी बहुत हैप्पी हूँ, बिकॉज मेरी 9K फैमिली कंप्लीट हो गए हैं, और ये सब आपके प्यार की वजह से ही हो पाया है। आपके लिए ये एक नंबर है, 9000 एक नंबर है, बट मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, जो कि आपको पता नहीं है कि कितना कितना सुकून देता है। ये ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है कि कितना हैप्पीनेस देता है ये सब। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे। मैं अभी कुछ दिनों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कम्प्लीटली रेस्ट लेना चाहिए, नहीं तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो, क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ करना है, मुझे कभी रुकना नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ कुछ अलग न्यू स्टोरी बनाने के लिए। मैंने अभी भी लिखना स्टार्ट भी कर लिया है न्यू स्टोरी, 2 न्यू स्टोरी लिखने के लिए सोचा है मैंने, और एक तो लिखना शुरू भी कर चुकी हूँ मैं, और देखती हूँ आगे क्या क्या होता है। आई डोंट नो कब ये सब ठीक होगा, आई होप कि गॉड जल्द ही ये सब ठीक कर लेंगे। अगर मैं इस बीच वीडियो बना पाती हूँ तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, डोंट वरी, और प्लीज़ आप लोग मेरा साथ देना, मुझे भूल मत जाना, प्लीज़, आई लव यू ऑल। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये पार्ट कैसा लगा?